दूसरी जानब वो शख्स जिसने साल के 365 दिन एक भी नमाज नहीं पढ़ी, सिर्फ जुमे जुमे की नमाज पढ़ी, वो भी अपनी मर्जी से। ना उसका इखलाक ठीक है, ना उसका किरदार ठीक है, ना घर वालों के साथ उसके मामलात अच्छे हैं, ना वो बेटियों के हकूक अदा कर रहा है, ना वो बहनों के हकूक अदा कर रहा है, ना वो माँ बाप की इज्जत कर रहा है। सारा दिन बाजारों में बैठकर झूठ बोल बोल कर पैसे कमा रहा है। ऐसा शख्स अगर मिलकर तुम्हारे साथ नारे लगाए, नाचे, तुम्हारी हाँ में हाँ मिला दे, तो तुम्हारी नजर में ये बहुत बड़ा आशिक रसूल है। इसके दिल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिर लेवल की मोहब्बत है। वाह यार, सारा दिन मोबाइल, साल के 365 दिन माँ बाप की आवाजें इग्नोर, साल के 365 दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत के मौजिन की आवाजें इग्नोर, मजलूमों पर जुल्म, ये चीजें तुम्हें आशिक रसूल बनाएंगी। पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों का लाज रखो, उनके अहकामात की परवाह करो, उनकी बातें मानो। उन्होंने अगर कहा है कि झूठ नहीं बोलना तो ना बोलो, उन्होंने अगर कहा है कि धोखा ना दो तो ना दो, उन्होंने कहा है अगर बेहयाई ना करो तो ना करो। आजकल के टाइम में आदमी की इज्जत उसकी कमाई से होती है, जेब खाली हो तो ये दुनिया हाल भी नहीं पूछती, इसीलिए तो पैसों के पीछे जिंदगी बिता देते हैं लोग, क्योंकि जेब भरी हो ना तो ये दुनिया बड़े अदब से मिलती है। मैंने कहा गुनहगार हूं, रब ने कहा मुआफ कर दूंगा मैं। मैंने कहा परेशान हूं, रब ने कहा संभाल लूंगा मैं। मैंने कहा तन्हा हूं मैं, रब ने कहा तुम्हारे साथ हूं मैं। और मैंने कहा आज बहुत उदास हूं, रब ने कहा नजर तो उठा तेरे आसपास हूं मैं।